पानी के अंदर मिले इन शहरों को देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे। आजकल ग्लेशियर्स के पिघलने की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ग्लेशियर को पिघलने से नहीं रोका गया तो समुद्र किनारे बसे सैकड़ों शहर पानी में डूब जाएंगे। इस सदी के अंत तक ही ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन पास्ट में ऐसा कई बार हो चुका है। पास्ट में कई शहर पानी में डूब चुके हैं जिसके सबूत आर्कियोलॉजी डिस्कवरीज में मिले। साइंटिस्ट ने दर्जनों ऐसे विलुप्त शहरों को ढूंढा है जो कभी वेल डेवलप्ड सिटीज हुआ करती थीं, लेकिन प्रकृति ने इन शहरों को अपनी गोद में ले लिया। इन शहरों के पानी में डूब जाने की कई वजहें थीं। इन शहरों पर किए गए रिसर्च से एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर को भी समझने में मदद मिली है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं पानी के अंदर डूब जाने वाले दुनिया के 10 सबसे बड़े शहर। नंबर 10, शेनचिन, चाइना। चाइना के क्वांडो लेक का यह शहर लगभग 1500 साल पुराना है। 1959 में रिवर डैम प्रोजेक्ट के दौरान इस पूरे इलाके में पानी भर गया था। प्रोजेक्ट के कारण पूरा इलाका फ्लडेड एरिया घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से लगभग 3 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। 2001 में क्वांडो लेक को टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया और यहाँ पर डाइविंग एरिया बनाया गया। डाइविंग एरिया बनने के कुछ समय बाद ही डाइवर्स को पानी के अंदर छुपी एंशियंट सिटी के बारे में पता चला। क्वांडो लेक के अंदर छुपे हुए शहर का पता लगते ही इस लेक की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। शीचेन पर की गई स्टडी से इस बात का पता चला कि ये शहर कम से कम 1500 से 1800 साल पुराना है। इस शहर में बिल्डिंग्स, मंदिर, जानवरों की पत्थर की मूर्तियां और खूबसूरत कलाकृति समेत कई सारी चीजें मिली हैं। यहाँ पर लकड़ी से बने कई घर भी हैं जो पानी में होने के बावजूद भी आज भी वेल प्रिजर्व्ड हैं। नंबर 9, पोर्ट रॉयल, जमैका। पोर्ट रॉयल जमैका का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग एरियाज हुआ करता था। किंगस्टन हार्बर के किनारे बने इस शहर को अय्याशी की वजह से विकेटस सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर को 1494 में स्पेन द्वारा बनाया गया और देखते ही देखते ये कैरेबियाई द्वीप का सबसे बड़ा शहर और ट्रेडिंग पॉइंट बन गया। 7 जून 1692 को आए भयानक भूकंप और सुनामी में ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया। इस सुनामी में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों जहाज, नाव और घर पानी में डूब गए। बाद में इस शहर को फिर से बसाने की कोशिश की गई, लेकिन 1907 में आए एक और भयानक भूकंप ने जमीन से इस शहर का नामोनिशान मिटा दिया और पूरा शहर समुद्र में समा गया। बाद में इस एरिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप किया गया। 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। नंबर 8, पावलो पेत्री, ग्रीस। ये शहर लगभग 5000 साल पुराना है। 1000 BCE पहले 3 भयानक भूकंप के कारण ये शहर पूरी तरह समुद्र में समा गया। हजारों सालों तक लोगों की नजरों से दूर रहने वाले इस शहर को सबसे पहले 1967 में निकोलस फ्लेमिंग ने ढूंढा था। 1968 में शहर की मैपिंग की गई और फिर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपना काम शुरू किया। आर्कियोलॉजी फाइंडिंग में कई सारी हैरान करने वाली बातें सामने आईं। 2800 BCE के आसपास ये शहर आबाद था। इस शहर में 15 बिल्डिंग्स हैं जो पानी में 9 से 13 फीट की गहराई में मौजूद हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और कपड़े बनाने की एंशियंट टेक्निक भी मिली है। नंबर 7, द्वारका, इंडिया। 1983 से 1990 के दौरान मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट द्वारा किए गए अंडरवाटर एक्सकेवेशन में पानी में डूबे हुए इस शहर का पता चला। आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार पानी के अंदर डूबा हुआ यह शहर लगभग 9000 साल पुराना है। आपको बताएं कि महाभारत में इस शहर का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण और ईविल किंग साल्वा के बीच इसी जगह पे युद्ध हुआ था। युद्ध में साल्वा ने फ्लाइंग मशीन से द्वारका पे हमला किया। इस हमले में शहर बर्बाद हो गया और इसका ज्यादातर हिस्सा पानी में समा गया। लोगों का कहना है कि यह वही शहर हो सकता है जिस शहर का महाभारत में उल्लेख है। यहाँ पर बिल्डिंग्स, पत्थर से बनी अलग अलग आकृति, ऊंची दीवार, जानवरों की आकृति समेत कई और चीजें मिली हैं। नंबर 6, अटलिटयाम, इसराइल। 1984 में मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इहूद गलील ने समुद्र में 40 से 50 फीट की गहराई में इस गांव का पता लगाया था। ये गांव लगभग 8900 साल पुराना है। पानी में डूबने की वजह नेचुरल डिजास्टर बताई गई है। इस गांव के लोग काफी ज्यादा सिविलाइज थे। इन लोगों ने अपने लिए रेक्टेंगुलर घर बनाए थे। इन घरों में कई सारी चीजें रिसर्चर्स को मिली हैं। मानव अवशेष से लेकर जानवरों तक के अवशेष मिले हैं। इनमें से कुछ अवशेषों में ट्यूबरक्लोसिस जैसी जानलेवा बीमारी भी पाई गई है। जानवरों के अवशेष, हड्डी और पत्थर से बने औजारों के अलावा एक कुआं भी मिला है। कुएं की दीवार हड्डी और पत्थर से बनाई गई थी। इस गांव से साइंटिस्ट को कई सारी एंशियंट चीजों के बारे में पता चला है। नंबर 5, विला एपेक्विन, अर्जेंटीना। 1920 में इसे डेवलप करने वाले लोगों ने दावा किया कि इस एरिया में मौजूद लेक में हीलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इस लेक के पानी से कई बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस दावे के बाद हर दिन हजारों विजिटर्स यहाँ आने लगे। विला एपेक्विन की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 6 नवंबर 1985 को कुछ ऐसा हुआ कि विला एपेक्विन पूरी तरह बर्बाद हो गया। एक रेयर वेदर पैटर्न की वजह से पास का एक डैम टूट गया
डैम टूटने के बाद विला एपेक्विन की सुरक्षा के लिए बनाया गया बांध भी टूट गया और लगभग 33 फीट ऊंची पानी की लहरें उठने लगी। बांध टूटने से पहले ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। 280 से ज्यादा होटल्स, गेस्ट हाउसेज, लॉजेस, दूसरी बिल्डिंग हमेशा के लिए पानी के 13 फीट नीचे डूब गई। फाइनली 2009 में विला एपेक्विन पानी के गिरफ्त से आजाद हुआ, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 2009 के बाद की तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह थीं। पानी खत्म होने के बाद इस शहर को दोबारा डेवलप नहीं किया जा सका, लेकिन एक शख्स पाब्लो नोवाक ने यहाँ फिर से आकर रहने का फैसला किया। इनका जन्म 1930 में विला एपेक्विन में ही हुआ था। नंबर 4, हेरस लियोन, इजिप्ट। 1933 में आरएएफ कमांडर ने इस शहर के बारे में पता लगाया था, लेकिन इसके एक्सप्लोर करने की शुरुआत 1999 में फ्रेंच अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक गोडियो ने की। इस शहर को थोनिस नाम से भी जाना जाता है। ये शहर इतना बड़ा है कि अब तक इसके सिर्फ 5% हिस्से को ही एक्सप्लोर किया जा सका है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि 6th से 4th century BC के दौरान यहाँ काफी ज्यादा एक्टिविटी हुआ करती थी। सुनामी, भूकंप और समुद्री जल स्तर लगातार बढ़ने के कारण 8 BC में यह शहर पानी में समा गया। यहाँ मिले प्रमुख चीजों में गॉड सेरापिस और क्वीन अर्सिनोए 2 के स्टैच्यूज, 2nd century BC का कॉपर कॉइन, ग्रीक टेम्पल, शिप्स और एंशियंट ग्रेनाइट कॉलम्स भी मिले हैं। इस शहर की डिस्कवरी के बाद एंशियंट इजिप्ट की काफी सारी हिस्ट्री सामने आई है। नंबर 3, पोटोसी, वेनेजुएला। पोटोसी एक छोटा सा शहर था। यहाँ की आबादी लगभग 1200 लोगों की थी। 1985 में सरकारी फरमान पर इस जगह को हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया। शहर खाली कराया गया और पूरे इलाके को पानी में डुबो दिया गया। पोटोसी में लगभग 100 फीट पानी जमा हो गया। लगभग 25 सालों तक पानी के अंदर रहने के बाद 2010 में इस शहर को पानी से छुटकारा मिला। 2010 में वेदर फिनोमिना अलनीनो के कारण वेनेजुएला भयंकर ड्राउट की चपेट में आ गया। इस ड्राउट के कारण पोटोसी शहर के ऊपर जमा 100 फीट पानी भी सूख गया और 25 साल बाद एक बार फिर यह शहर विजिबल था। भले ही पानी सूख गया हो, लेकिन शहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। यह शहर एक डरावनी जगह में बदल गया था। पोटोसी शहर के निवासी अपने घर को देखने आए, लेकिन इस वीरान शहर को देखकर वापस चले गए। नंबर 2, योनागुनी, जापान। जापान का योनागुनी मॉन्यूमेंट एक मिस्टीरियस सबमर्ज सिटी है। योनागुनी सी हैमरहेड शार्क्स के लिए काफी मशहूर है। 1986 में डाइवर किहाचिरो अराताके शार्क्स की तलाश कर रहे थे, तभी उनकी नजर पत्थर से बने स्ट्रक्चर पे पड़ी। किहाचिरो ने जब करीब जाकर देखा तो वो हैरान रह गए। पत्थरों से बना यह स्ट्रक्चर काफी दूर तक फैला हुआ था और काफी हद तक एक शहर जैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी योनागुनी मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ का कहना है कि नेचुरल फॉर्मेशन है, वहीं ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट इस बात पे जोर देते हैं कि ये एक शहर है। मसाकी किमुरा का कहना है कि ये शहर लगभग 10,000 साल पुराना है और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये समुद्र में डूब गया। पत्थर से बने इस शहर में पिरामिड्स, कैसल्स, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स और स्टेडियम्स भी हैं। हालांकि योनागुनी नेचुरल फॉर्मेशन है या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स, इस बात पे अभी भी बहस जारी है। नंबर 1, आइलैंड ऑफ एंटीरोडोस, इजिप्ट। एंटीरोडोस आइलैंड इजिप्ट की रूलर क्लियोपेट्रा का प्राइवेट आइलैंड था। यह शानदार आइलैंड 4th century में भूकंप और सुनामी की वजह से डूब गया था। लगभग 1500 साल तक समुद्र के अंदर रहने के बाद फ्रैंक गोडियो ने 1996 में इस आइलैंड के बारे में पता लगाया। एक क्वीन के प्राइवेट आइलैंड के बारे में पता चलते ही दुनिया भर के मरीन आर्कियोलॉजिस्ट इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगे। यहाँ पर 200 से ज्यादा खूबसूरत स्कल्पचर्स मिले हैं। मार्बल और ग्रेनाइट से बने कई खूबसूरत कमरे और मंदिर भी मिले हैं। यहाँ मिले ज्यादातर कीमती सामान को निकालकर अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है, लेकिन इस डूबे हुए शहर की खूबसूरती अभी भी कायम है। इजिप्ट की सरकार एंटीरोडस को अंडरवाटर म्यूजियम में बदलना चाहती है। इनमें से आप किस शहर को देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।